हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट फॉल में। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो उसको कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ड्यू फॉल से रिलेटेड हर वीडियो आपको यहीं मिलेगी। तो आज हम बात कर रहे हैं ड्यू फॉल के सेकंड सेमेस्टर के बच्चों की, जो आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम देकर सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हैं। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन होंगे कि सेकंड सेमेस्टर कब से स्टार्ट होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब से शुरू होंगे, थ्योरी एग्ज़ाम कब होंगे और फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा। तो मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो अभी 25 जब तक एग्ज़ाम पूरे नहीं हो जाएंगे, और फॉल की एक ख़ास बात रही है वो 2-3 महीने बाद ही अपना रिजल्ट डिक्लेयर करता है। तो अभी आप वेट करना, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से अपने पढ़ाई करो सेकंड सेमेस्टर की, रिज़ल्ट आता रहेगा। अगर आपने पेपर अच्छे दिए होंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो, यहाँ लिखा है द एकेडमिक कैलेंडर टू बी फॉलोड फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ अनग्रेजुएट कोर्सेज फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। तो अब देख लेते हैं, आपके जितने भी डाउट्स हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर इसी एकेडमिक कैलेंडर में मिलेगा। तो देखो भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो सेमेस्टर ब्रेक आपका कब हुआ है, 16 मार्च से 2023 और 19 मार्च 2023। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर आपके बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन नहीं होते, अगर उनका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ होता, तो उनके भी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके होते और 16 से 19 मार्च में आपका सेमेस्टर ब्रेक हो चुका होता। बट उनके एग्ज़ाम जो है 25 मार्च तक चल रहे हैं, अगर उनके एग्ज़ाम पोस्टपोन और कैंसिल नहीं हुए होते तो उनका भी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके होते। तो अब देखो, आपके क्लासेस कब से स्टार्ट है, आपकी क्लासेस 20 मार्च से स्टार्ट है, यानी आपका जो सेमेस्टर सेकेंड है वो 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही है, आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है 20 मार्च से। तो फिर उसके बाद देखो क्या कहते हैं, ऑफ क्लासेस प्रिपरेशन लीव एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपके कब से स्टार्ट है, 8 जुलाई से 16 जुलाई। अब देखो, ये जो 8 जुलाई 16 जुलाई दे रखी है, अब ये थोड़ी सी आगे पीछे होंगी, क्योंकि जो सेमेस्टर ब्रेक हुआ है वो सही टाइम पे नहीं हुआ, क्योंकि अभी बीए प्रोग्राम के एग्ज़ाम रह गए और बीकॉम ऑनर्स के रह गए। तो देखो, अभी उनके भी एग्ज़ाम तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे आपकी जो डेट्स हैं वो आगे पीछे हो सकती हैं, तो आप एक्यूरेट नहीं समझेंगे, बट आप जुलाई में आपका जो काम होना है वो जुलाई में ही होगा। फिर उसके बाद जो आपका थ्योरी एग्ज़ाम है वो आपके 17 जुलाई से 28 जुलाई तक चलेंगे। अब ये जो 27 से 28 है, ये अगस्त में भी जा सकता है, यानी आपके एग्ज़ाम जो है अगस्त तक भी चल सकते हैं। फिर उसके बाद आपका सेमेस्टर ब्रेक हो जाएगा 29 जुलाई से 30 जुलाई। अब ये भी आगे हो जाएगा थोड़ा सा। देखो, जब एग्ज़ाम जो पीछे की डेट ही अगर गड़बड़ हो जाएगी तो आगे की डेट कैसे सही रहेगी। तो अब ये थोड़ा आगे पीछे रहेगा, अगस्त तक आपके एग्ज़ाम चलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि इस बार सब्जेक्ट बहुत हार्ड होने वाले हैं आपके लिए पिछले सेमेस्टर के मुकाबले। तो आपको पता चला होगा कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे और थ्योरी एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे। तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपडेट फॉल को सब्सक्राइब करना है फिर छोटी छोटी अपडेट के लिए। थैंक यू।